हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल PHU पाठशाला नेहा दिस साइड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इसमें रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग और कट ऑफ रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। बीच में इसने एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें इसने बताया कि रजिस्ट्रेशन के समय बच्चों ने मार्क्स फिल करने में बहुत सारे एरर किए हैं, जिसकी वजह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कट ऑफ बनाने के वक्त NTA वालों से फिर से कॉन्टेक्ट करना पड़ा। ठीक है, ये प्रोसेस भी अभी तक कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसके बावजूद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कट ऑफ और काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं कर रहा है। इस बीच बच्चे काफ़ी पैनिक हो रहे हैं, आप सभी काफ़ी पैनिक हो रहे हो, क्योंकि अदर यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग UG कोर्स के लिए चल रही है, स्टार्ट हो चुकी है। BHU में सेकेंड राउंड की कट ऑफ रिलीज कर दी गई, वहाँ पे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन कट ऑफ और काउंसलिंग को लेकर जारी नहीं की है। तो देखिए, आप लोगों को बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर आपका कट ऑफ, अगर आपने CUET का जब आपने फॉर्म फिल करा था उस वक्त आपने अदर यूनिवर्सिटीज़ भी डाली थी, तो देखिए, आप लोगों को अगर उस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो आप एडमिशन वहाँ ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वहाँ एडमिशन नहीं मिल पा रहा है और आप सोच रहे हो कि क्या मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हर बार का यही होता है, ये हर बार लेट से ही कट ऑफ रिलीज़ करता है, ठीक है। ये पिछली बार भी लेट से कट ऑफ रिलीज़ किया था, BHU का कंप्लीट होने जा रहा था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अभी रिलीज़ कर रहा था, ठीक है। तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। अब देखिए, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही वेट कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि क्या मेरा एडमिशन इसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। अब देखिए गाइस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है, आपको पता है कि यहाँ एफिलिएट कॉलेजेस भी हैं। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर सपोज़ BA के आप छात्र हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका टोटल 700 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो अगर आपका 300 मार्क्स आया है, 400 मार्क्स आया है, तो भी आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर आपको मेन कैंपस नहीं मिलता है तो आपको एफिलिएट कॉलेज स्योरली मिल जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही वेट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएट कॉलेजेस हैं, इनका कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा, ओके। और जब भी कट ऑफ रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आती है या जिस दिन कट ऑफ रिलीज़ होगी उसी दिन आपको तुरंत अपडेट यहाँ से मिल जाएगा, ओके। तब तक बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।